हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्लंबिंग सर्विसेज, फोर्थ चैप्टर डोमेस्टिक ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, डोमेस्टिक ड्रेनेज में हमारे जो घरेलू जो है जितने भी हमारे वाश बेसिन, ठीक है, या पाइप बेसिन का पानी, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के हमारे बाथ का पानी जो है ड्रेनेज के द्वारा जो है पाइपलाइंस के द्वारा जो है ड्रेनेज में भेजते हैं, वो क्या होता है डोमेस्टिक ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो इसकी परिभाषा, ठीक है, सबसे पहले आ गया ड्रेनेज सिस्टम। तो क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम? द ड्रेनेज सिस्टम इज डिजाइंड to carry waste water from a building to the main sewerage network. ठीक है भाई, क्या ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कैसे डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो जो है पानी को, जो वेस्ट पानी है, ठीक है, वाश बेसिन का पानी हो गया, ठीक है, बाथ का पानी हो गया, जितने भी हमारे जो है यूज के बाद, ठीक है, पानी का यूज होने के बाद जो भी पानी हमारे स्टोरेज सीवरेज टैंक में, जो सीवरेज सिस्टम है, ठीक है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी सीवरेज सिस्टम होता है, तो उसके अंदर जो है एक पाइपलाइंस के द्वारा, ठीक है, वो जो है नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क में डाल दिया जाता है, ताकि वो आगे द्वारा, ठीक है, रिन्यूएबल होने के लिए वो सीवरेज सिस्टम में दे दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम। द प्लंबिंग ऑफ ड्रेनेज वर्क्स, प्लंबिंग ऑफ ड्रेनेज वर्क इन ए बिल्डिंग जनरली डिवाइडेड इन ए बिल्डिंग जनरली डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग प्रिंसिपल सिस्टम Principal systems. ठीक है, नीचे दिए गए प्रिंसिपल सिस्टम्स, ठीक है, ये है वन पाइप सिस्टम नंबर एक, वन पाइप सिस्टम नंबर दो, टू पाइप सिस्टम नंबर तीन, सिंगल स्टैक सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम नंबर चार, पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम, पार्शियली
वेंटिलेटर सिंगल स्टैक सिस्टम, ठीक है भाई। तो जो है ड्रेनेज पाइप के जरिए जो प्लंबिंग में जो है चार प्रकार के जो है सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम जो ड्रेनेज सिस्टम को जो है ड्रेनेज को जो है वाटर सप्लाई का जो है वेस्ट पाइप ऑफ वाटर है जो उसको जो है बाहर निकालने के काम में लाते हैं। तो फर्स्ट आ गया अपना वन पाइप सिस्टम, ठीक है। ये चार प्रकार के सिस्टम है, वन पाइप सिस्टम, टू पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम और पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। तो सबसे पहले आ गया वन पाइप सिस्टम। तो वन पाइप सिस्टम में क्या आता है कि हम एक पाइप के जरिए जो है हम वाटर वेस्ट वाटर सिस्टम वेस्ट वाटर को जो है उसे जो है बिल्डिंग से जो है ड्रेनेज के लिए बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले आ गया वन पाइप सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है वन पाइप सिस्टम, क्या है ये? द कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर, द कलेक्शन ऑफ सिंक वाटर क्लोसेट एंड यूरिनल इनटू इनटू आवर मेन पाइप फॉर मेन पाइप और मेन पाइप फॉर द फॉर डिस्पोजल ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम दिस कॉल is called one pipe system। क्या होता है भाई कि जो है वेस्ट को इकट्ठा करके वाश, जैसे कि वाश बेसिन का हो गया, बाथ का हो गया, ठीक है, सिंकेज का हो गया, ठीक है, या जो है वहां से इकट्ठा हुआ पानी हो गया, यूरिनल हो गया, ठीक है, ठीक है, वॉशरूम का पानी हो गया, इंक्लूड द मेन पाइप्स, ठीक है, मेन पाइप के अंदर जो है उसको डिस्पोजल कर दे या ड्रेनेज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वन पाइप सिस्टम। तो व्हाइल अडॉप्टिंग द दिस सिस्टम the following points should be kept in mind
ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम को जो है अडॉप्ट करने के लिए, इस प्रकार के सिस्टम को जो है चलाने के लिए जो है कुछ पॉइंट जो है दिमाग के अंदर रखने पड़ते हैं। जैसे नंबर एक, डीप वाटर सील ऑफ 75 मिलीमीटर लेंथ, सॉरी 75 मिलीमीटर ऑफ डेप्थ शुड बी प्रोवाइडेड इन द ट्रैप। ठीक है, जो है डीप वाटर जो है, जो गहरा पानी होता है, ठीक है, उसको जो क्या करते हैं, उसको 75 मिलीमीटर की जो है, 75 मिलीमीटर की जो है डेप्थ में जो है ट्रैप के अंदर, जो जाल के अंदर जो है डाल दिया जाता है या प्रोवाइड कर दिया जाता है। नंबर सेकंड, 50 मिलीमीटर डायमीटर बैंड पाइप should be used। ठीक है, इसे बाहर निकालने के लिए 50 मीटर डायमीटर की जो है वेंट पाइप, ठीक है, वेंट पाइप जो है यूज करनी चाहिए। ठीक है, नंबर तीन, एयर टाइट जॉइंट should be provided to the vent pipes। ठीक है, तो एयर पाइप जॉइंट्स, तो जिसके अंदर से हवा जो है निकल ना सके या वो लीकेज वगैरह ना हो सके, तो ऐसे जो है जॉइंट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं बेस्ट पाइप के रूप में। ठीक है, बेस्ट पाइप में। नंबर फोर, द फॉल ऑफ वेस्ट पाइप इन द फॉल ऑफ वेस्ट पाइप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल। द स्लोप ऑफ बेड शुड बी that should be one in 12 to one in 48। ठीक है, ठीक है, जो उसका जो पानी का जो है फॉल जो है वो, तो उसका जो बहाव जो है वो उसी डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में होना चाहिए, कंटिन्यूअस ठीक है, कंटिन्यू होना चाहिए और बराबर मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, दिस लॉ ऑफ द वेट जो है पहला अपने वन, ठीक है, और से का एक से 14, ठीक है, जो है वेस्ट का जो है स्लोप जो है ऐसे रखना चाहिए। ठीक है, और जो है नीचे जाना चाहिए पानी, ठीक है, फ्लो के राव राउंड में जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पाइप को उल्टी कर दे और वो उल्टी डायरेक्शन में जो है वो वेस्टेज का पानी जो है वापिस आ जाए।
तो उसके लिए भी उसको अलाइनमेंट के हिसाब से जो है पाइप का जो फ्लोवर जो है डाउन की तरफ जाना चाहिए। वन पाइप सिस्टम इज मोर इकोनॉमिकल and is used where all types of weight are taken together in a common sewer line to the place of treatment or disposal. ठीक है, तो वन पाइप सिस्टम जो है ये ज्यादा जो है खर्चीला है, ठीक है, और ये जो वहां यूज होता है जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है वेस्ट जो है एक मेन पाइप लाइन में या सीवर लाइन में जो है दे दी जाती है, ठीक है, प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, जहाँ पे वो उसको खत्म कर सके या उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो ये था वन पाइप सिस्टम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना टू पाइप सिस्टम, ठीक है। टू पाइप सिस्टम में क्या आता है भाई, सिस्टम है ना टू पाइप सिस्टम। तो जैसा कि हमने वन पाइप सिस्टम में पढ़ा कि इसमें जो है वेस्ट वॉशिंग का पानी है, ठीक है, या वॉशिंग का पानी है, ठीक है, वाश का पानी है, वो सारा पानी जो है इसमें सिंक का पानी है, वो सारा जो है एक मेन पाइप लाइन में दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका टू पाइप सिस्टम। जैसा कि हमने नाम से ही पता लगता है कि टू पाइप से कि दो पाइप का सिस्टम, इन टू पाइप सिस्टम टू पाइप सिस्टम क्लोसेट वेस्ट और इज लार्ज डायमीटर वर्टिकल सोयल पाइप, ठीक है, एक जो वर्टिकल जो है सोयल पाइप के जरिए जो है हम जो वेस्ट को जो है उतार देते हैं या उसको निकाल देते हैं,
दिस पाइप इज सेपरेटेड टू द दिस पाइप इज सेपरेटेड टू द अदर वेस्ट वाटर, जो अन्य प्रकार के जो है वेस्ट, जो है वेस्ट वाटर है उसको जो है निकालने के लिए जो है वर्टिकल पाइपलाइंस का प्रयोग किया जाता है। इन दिस सिस्टम वाटर फ्लोस है वाटर फ्लोसेट वेस्ट इन पुट इन टू द वेस्ट इन पुट इनटू ए लार्ज बोर सोइल पाइप, लार्ज बोर सोइल पाइप, लार्ज बोर सोइल पाइप विच लीड्स डायरेक्टली टू द leads directly to the sewage network, ठीक है। एक जो है बड़े बोर की जो है सोइल पाइप जो है, ठीक है, उसको जो है रखा जाता है ताकि वो और वो जो डायरेक्ट जो है सीवेज नेटवर्क के अंदर जो उसके साथ मिला दिया जाता है इस पाइप को। एंड ऑफन रन डाउन, ऑफन रन डाउन, रन डाउन द आउटसाइड वॉल इन द आउटसाइड wall in the building, wall in the building, ठीक है। The remaining wastewater from bath wash basin and kitchen sink, kitchen sinks etc. are combined by a smaller diameter. Smaller diameter, ठीक है। तो जो है वेस्ट वाटर में बाथ का जो है नाली का पानी है या वॉश बेसिन का पानी है और किचन सिंक का जो पानी है वो तीनों को जो है कंबाइन करके जो है स्मॉलर डायमीटर में रखा जाता है या उसको दे दिया जाता है, ठीक है। डायमीटर ब्रांच पाइप्स इन ए गुल्ली, ब्रांच पाइप इन जनरली इज इन गुल्ली मस्ट जस्ट बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है। इसको जो कंबाइन करके जो है ग्राउंड लेवल के अंदर जो है उसको फिट कर दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर। इन ऑर्डर दे प्रिवेंट बैक,
ऑर्डर द परवेंट बैक शिफॉनिंग शिफॉनिंग एंड टू डिस्चार्ज साइफॉनिंग एंड टू डिस्चार्ज गैसेस फ्रॉम द ड्रेन। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, जो ड्रेन के अंदर जितने प्रकार की जो गैसेस वगैरह हैं, ठीक है, जो खतरनाक गैसेस है उसको जो है वापस नहीं आने देता, यानी कि उसको जो है आगे के आगे बाहर निकालता रहता है। ठीक है, द लास्ट ऑयल पाइप्स इन pipes in vented to the outside to the outside the guttering ठीक है, गटर के अंदर जो है वो जो है बड़ी जो पाइप्स है ना, जो लार्ज सोयल पाइप्स हैं, ठीक है, लार्ज मिट्टी की जो पाइप्स बने होते हैं वो क्या काम के आउटसाइड में गटरिंग में उतार दी जाती हैं। ठीक है, यू वेंट ट्रैप फुल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये था आज के लिए, इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे सिंगल स्टैक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये वेयर द sludge from bath and kitchen can be used in gardening or any other such as such purpose of two pipe system advantages। ठीक है, where the sludge of bath and kitchen, ठीक है, can be used in gardening or any other such purpose। ठीक है, bath और kitchen के लिए ये जो है बहुत ज्यादा एडवांटेज लाभ देते हैं, और गार्डनिंग वगैरह में भी इन प्रकार की पाइप को उस पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, या यूज किया जाता है। तो हमारा ये था वन पाइप सिस्टम और टू पाइप सिस्टम। तो नेक्स्ट हम करेंगे सिंगल स्टैक सिस्टम और वेंटिलेशन स्टैक सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।